केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। आप विधायक अमानतुल्ला खान की दूसरी पत्नी और कर्मियों के ठिकानों पर भी ईडी की रेड। इस्लाम कबूल करो तभी वापस आऊंगी, पत्नी ने बनाया दबाव, पति ने की खुदकुशी। एंड सीएनजी ना पेट्रोल डीजल सब्जी के दाम भी बढ़े, ट्रांसपोर्टर की हड़ताल से यूपी में हाहाकार। जम्मू कश्मीर को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक। राम मंदिर को लेकर बुकलेट जारी करेगी बीजेपी, योगी की बैठक में फैसला। शबरीमाला मंदिर पहुंचे किन्नर निशा क्रांति, राम लिंगेश्वर स्वामी पूजा में बनती है चुगनी। राम मंदिर बनने पर मुस्लिम महिला ने सजाया राम दरबार, बोली परिवार के साथ जाऊंगी अयोध्या। बिहार में हर साल होगी हजारों शिक्षकों की भर्तियां, आ गया नया बीपीएससी कैलेंडर। राजस्थान अजमेर दरगाह के पास इमारत गिरी, 4-5 लोग दबे होने की आशंका। देश में कोरोना के नए सब वेरियंट JN1 के कुल मामले बढ़कर 263 हुए। किसान संगठनों का ऐलान, 13 फरवरी से दिल्ली में फिर करेंगे प्रदर्शन। जापान प्लेन हादसा, 379 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया। सांसद कांड आरोपी नीलम ने पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। मैनापुरी में पुलिस और ट्रक ड्राइवरों के बीच झड़प, पुलिस ने आंसू गैस की गोली दागी। बिहार जाति गतगणना मामला, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया। संयोजक बनने के लिए नीतीश कुमार से योग्य कोई नहीं, मनोज झा का बड़ा बयान। देश भर में ट्रक ड्राइवर्स का लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन, महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस को दिए निर्देश। मैनपुरी में ट्रक ड्राइवर्स और पुलिस में फिंडल, हुई पत्थरबाजी, पुलिस ने की फायरिंग। नए साल में उत्तराखंड पुलिस में नौकरियों की बहस, डीजीपी अभिनव कुमार ने दी अहम जानकारी। मुझसे शादी कर लो, दूसरे समुदाय के युवक ने शादीशुदा महिला को बनाया बंधक, महीनों तक किया रेप। कल्पना सोरेन को सीएम बनाना, हेमंत सोरेन ने की दूसरी सबसे बड़ी गलती होगी, बाबूलाल मरांडी का निशाना। झारखंड में JMM विधायक सैफराज अहमद ने विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। इंडिया में सीएम नीतीश के संयोजक बनाए जाने की चर्चा पर नित्यानंद राय की तोड़फोड़, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी के फंक्शन के बाद शॉर्ट ड्रेस पहने स्पॉट हुई आमिर खान की लाड़ी, चेहरे पर दिखा वेडिंग लुक। ये बीस में इतना ही, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।